हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मेरी ड्राइंग मटेरियल्स दिखाने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं वाटर कलर के लिए इन ब्रशेस का इस्तेमाल करता हूँ। ये मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएंगे और इनकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 रुपीज़ होंगी। और मैं पेंसिल शेडिंग के लिए इस फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल करता हूँ। ये भी मार्केट में आपको 10 से 12 रुपीज़ में मिल जाएगा। अब मैं आपको मेरी मैकेनिकल पेंसिल दिखाता हूँ। ये कैमलिन की मैकेनिकल पेंसिल है। ये मार्केट में आपको 10 रुपये में मिल जाएगी। अब मैं आपको मेरी ब्लैक ग्लास मार्किंग पेंसिल दिखाऊंगा। ये आपको 7 से 8 रुपए में मिल जाएगी। और ये मेरी व्हाइट ग्लास मार्किंग पेंसिल, ये भी आपको 7 से 8 रुपए में मिल जाएगी। अब मैं आपको मेरी ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाली पेंसिल्स दिखाऊंगा। मैं आर्टलाइन कंपनी की पेंसिल्स इस्तेमाल करता हूँ। इस पेंसिल में 6 शेड्स आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B, ये 6 शेड आपको मिल जाएंगे। और इसकी MRP 17 रुपीज़ है। मैंने बहुत सारी पेंसिल्स इस्तेमाल की पर मुझे सबसे अच्छी आर्टलाइन की पेंसिल लगी। आपको भी आर्टलाइन पेंसिल इस्तेमाल करनी चाहिए। अब मैं आपको मेरे स्केच पेन दिखाऊंगा। मैं अपने ड्राइंग में लग्जरस के स्केच पेन इस्तेमाल करता हूँ। ये भी बहुत अच्छी है। इससे मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मार्केट में आपको 25 से 30 रुपए में मिल जाएंगे। मैं अपने ड्राइंग्स में ग्रिड्स ड्रॉ करने के लिए स्केल का इस्तेमाल करता हूँ। आप चाहे तो कोई भी स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं पर मैं कैमलिन के स्केल का इस्तेमाल करता हूँ और इसकी MRP 12 रुपीज़ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बिना आप शेडिंग कर नहीं सकते, ब्लेंडर्स। ये ब्लेंडर्स आपको मार्केट में 110 में मिल जाएंगे और आपको 6 ब्लेंडर मिल जाएंगे। मैंने मेरे पिछले वीडियो में इस डॉम्स के कलर पेंसिल का प्रीव्यू भी किया है, चाहे तो आप देख लीजिए। और इसकी डॉम्स की कलर पेंसिल की MRP 100 रुपीज़ है। आपको ये मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। अब मैं आपको नेडेबल इरेजर के बारे में बताऊंगा। ये इरेजर कौन से भी शेप में हो जाता है और ये अब हमारे बहुत काम का है, क्योंकि इसमें हम किसी भी स्मॉल एरिया को इरेज करने के काम आता है। और मैं आपको वाइट पेन के बारे में बताऊंगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी और इस ये आपको मार्केट में मिल जाएगा और इसकी MRP 17 रुपीज़ है। अपने ड्राइंग में मैं मास्क टेप का इस्तेमाल करता हूँ। ये ड्राइंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसकी MRP ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपीज़ है। मैं अपने ड्राइंग में टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करता हूँ। ये टिश्यू पेपर आपको मार्केट में कहीं पर भी मिल जाएंगे। ये ड्राइंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है ब्लेंडिंग करने के लिए। इसकी MRP ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 रुपीज़ होगी। और आप भी ये अपने ड्राइंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने ड्राइंग्स में सिंपल इरेजर का भी इस्तेमाल करता हूँ। ये आपको 5 रुपीज़ में मिल जाएगा। मैं अपने ड्राइंग्स में मैकेनिकल इरेजर का भी इस्तेमाल करता हूँ। ये आपको 20 से 30 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये भी आपके ड्राइंग्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब मैं आपको मेरे पेपर्स दिखाऊंगा। इस पैक में 10 पेपर्स आते हैं। ये वो एक 140 GSM A3 साइज का है और ये कार्ट्रिज पेपर है। इसकी MRP 50 रुपीज़ है।
मैं अपनी ड्राइंग्स में इस पेपर का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। अब मैं आपको इसको खोलकर दिखाऊंगा। ये देखिए पेपर एकदम स्मूथ और अच्छे क्वालिटी का है। अब आपको दिख रहा होगा मैं अपने ड्राइंग्स में आर्टलाइन के अलावा फाइबर कैस्टल का इस्तेमाल करता हूँ। इसकी MRP 50 rupees है और इसमें भी 6 शेड आते हैं और इसमें सबसे डार्क पेंसिल 8 भी है। इसमें 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 8B ऐसे शेड्स आते हैं। इसके अलावा मैं अप्सरा की पेंसिल इस्तेमाल करता हूँ। ये भी पेंसिल अच्छी है और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ जाता है।